सब्सक्राइब कीजिए ऑल इन टेक्निकल चैनल को ताकि आपको सभी टेक्निकल से रिलेटेड वीडियोस मिल सकें और बेल आइकन भी ऑन कीजिए। व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी, स्वागत करता हूं फिर से आपके अपने चैनल ऑल टेक्निकल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक फोन के फीचर्स के बारे में, अपडेट के बाद इसमें क्या करने फीचर्स आए हैं। ये फोन है रियलमी 3 प्रो और इसके अंदर आया था अभी कुछ दिन पहले अपडेट, में उसकी वीडियो बना चुका हूँ, उसके बारे में सारा कुछ बता चुका हूँ। तो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर के देख सकते हो उसमें क्या क्या अपडेट आया और कैसे कैसे क्या क्या नए फीचर्स हैं। वैसे आज मैं उन फीचर्स को एक्सप्लोर करने वाला हूँ कि इसके अंदर क्या नए फीचर्स आए हैं और कैसे कैसे आप उनको यूज़ कर सकते हो, किस तरह से अपने फ़ोन को जो है ईजी बना सकते हो और ज़्यादा। तो जब अपडेट आया था तो इसमें एक फीचर आया था श्योर लॉक के बारे में आपको बताया था, तो वो श्योर लॉक कैसे वर्क करता है और क्या इसकी खासियत है, मैं सारे आपको बताता हूँ भाई। तो जैसे कि अभी हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देते हैं, तो अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो रही है और स्क्रीन को होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना, थोड़ी देर ना हमको पावर लॉक बटन प्रेस करके रखना है, जैसे मैं अभी कर चुका हूँ। तो भी आप देख सकते हो क्या है आपके सामने, यहाँ पर ऊपर दिखा रहा है श्योर लॉक और नीचे से ऊपर से यहाँ पर जो भी आप करोगे वो हो जाएगा। और यहाँ पर इमरजेंसी कॉल और कैंसिल कर रहा है, नीचे लिखा हुआ है प्रेस एंड होल्ड द पावर बटन वॉल्यूम अप की, वो 10 सेकंड बाद ऑटोमेटिक स्टार्ट रिस्टार्ट हो जाएगा। चलो वो लग का फीचर, लेकिन आपको सबसे ऊपर दिख रहा है मेन फीचर जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा होगा श्योर लॉक। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देते हो, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, तो अभी श्योर लॉक लग चुका है। तो इस श्योर लॉक का वर्क ये है कि मेरा इसमें पहले फिंगरप्रिंट ऐड था, अगर मैं फिंगरप्रिंट लगाऊंगा तो भी ये ऑन नहीं होगा, मैं अगर अपना फेस दिखाऊंगा तो भी ये ऑन नहीं होगा। अब ये ऑन कैसे होगा, आपको इसमें मेन पासवर्ड अपना देना पड़ेगा, जो इसके अंदर पासवर्ड था। जैसे मैं भी इसमें पासवर्ड देता हूँ, तो भी ये पासवर्ड से ही ऑन होगा, बिना पासवर्ड के ऑन नहीं होगा। तो चलो फेस अनलॉक तो आई को थोड़ा सा क्या करता है, वो स्कैन करता है, अगर आई ऑन है तो ओपन होता है, नहीं तो नहीं होता। तो सोते टाइम आपको उससे तो खोल नहीं सकते, फिंगरप्रिंट आप सोते रहोगे तो भी कोई बंदा लगाएगा आपका फिंगरप्रिंट और फ़ोन ऑन कर लेगा और लेके साफ जाएगा। तो ये आराम से आपके साथ कोई भी कर सकता है और आपके सारे जो भी आपने प्राइवेसी लगा रखी है फ़ोन में, सारी प्राइवेसी फ्लॉप हो जाएगी 1 मिनट में, अगर आपने फिंगरप्रिंट लगाया हुआ और आप सो रहे हो और कोई भी बंदा आके आपके फिंगर को यूज़ करके आपका फ़ोन ऑन करके चला ले, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे में रियलमी ने बहुत अच्छा ये श्योर लॉक इसमें दिया है इस बार। इसमें आप क्या कर सकते हो, जब आप सो रहे हो तो आप सीधे क्या करोगे, श्योर लॉक लगा के सो जाओ और उसके बाद चाहे कोई आपके फिंगरप्रिंट ला के लगाए, चाहे कोई आपका फेस दिखाए, बिल्कुल भी अनलॉक नहीं होगा। सिर्फ एक ही चीज़ से अनलॉक होगा, वो है आपका पासवर्ड, जिसको जो सिर्फ आपको ही पता होगा। जब आप सो के उठोगे आराम से पासवर्ड से अनलॉक करोगे, उसके बाद कर सकते हो यूज़, ठीक है। तो ये श्योर लॉक कब तक वर्क करता है, जैसे ही आप इसको एक बार अनलॉक कर दोगे तुरंत ये हट जाता है, उसके बाद फिर से आपको लगाना पड़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है श्योर लॉक का, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स। सेकेंड जो इसमें फीचर निकल के आ रहा है वो है इसका नोटिफिकेशन बार। तो आप देख सकते हो अभी नोटिफिकेशन जो इसका बार है उसमें थोड़ा सा राउंड मतलब गोले वाले आ गया, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है और पहले से भी, और कुछ जो फीचर्स है इसके साथ इसमें इंक्रीज़ हुए हैं, कुछ बड़े हैं फीचर्स, तो मैं वो सारे फीचर्स आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। अब जैसे मैं इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग फिर से ऑन कर देता हूँ तो आपको सारा अच्छे से दिखने में जाएगा कि एक्चुअली में है क्या, ठीक है। तो अब जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपको सब में एक सर्कल बना हुआ दिखा हुआ है, काफ़ी अच्छे से कलर इसमें डाले गए हैं, हर किसी के लिए अलग कलर हो सकता है। जैसे मैं किसी और पर क्लिक करता हूँ तो उसके लिए अलग कलर होगा, वैसे ही यहाँ पे। और कुछ जो फीचर्स है यहाँ पर जो ऐड किए गए हैं वो मैं आपको बताता हूँ अभी। जैसे फ्लैश लाइट का ये तो पहले भी था, चलो नाइट शील्ड ये भी आपके पहले थी, ये बूस्ट का ऑप्शन यहाँ पे नया ऐड आया है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको सीधा ले जाएगा आपकी मेमोरी को क्लीन करने के लिए, आपको क्या इसमें रिमूव करना क्या नहीं, ठीक है। और भी कुछ फीचर्स है इसमें, डू नॉट डिस्टर्ब है, म्यूट, पावर सेवर, राइडिंग मोड इसमें अभी ऐड हुआ है इसके अंदर। और जो फीचर्स इसके अंदर कुछ हो रहे हैं वो देख लेते हैं यहाँ पे। 100 UI मोड, आपको साइड में एक साइकिल से करने जरूरत नहीं है, ये 100 UI मोड ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि आप अपने फ़ोन को कवर नहीं कर पा रहे हो सीधे एक हैंड से, तो आप क्या कर सकते हो इसको 100 UI मोड पर लगा सकते हो या साइड से स्लाइस करके, ठीक है। वो अब आप यहाँ पे सिर्फ इस की पे क्लिक करोगे जैसे ही, तो ये 100 UI मोड आ जाएगा, आप चाहो जहाँ पर लगा सकते हो। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर ऐसे करके और ऐसे करके प्रेस करना है, आप जिस साइड चाहो उस साइड लगा सकते हो, इस साइड चाहो तो इस साइड, कंफर्टेबल के हिसाब से इस साइड चाहो तो इस साइड। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो पूरी स्क्रीन हो जाएगी, ये आपका 100 UI मोड है, ठीक है। तो गूगल असिस्टेंट आप यहीं से सिर्फ वन क्लिक से ओपन कर सकते हो, जैसे कि आप देख पा रहे होगे, और क्लॉक यानी कि अलार्म वगैरह सेट कर सकते हो, कैमरा यहीं से ऑन कर सकते हो और मल्टी स्क्रीन यहीं से यूज़ कर सकते हो। वन टैप लॉक स्क्रीन यहीं पर क्लिक करोगे लॉक हो जाएगा, आपको पावर लॉक दबाने की जरूरत नहीं है, ऐसे नीचे स्लाइस करो, लॉक पर क्लिक करो, तुरंत लॉक हो जाएगा। उसके बाद स्विच इनपुट मेथड, ये आप यहाँ से कीबोर्ड चेंज कर सकते हो अपना कीबोर्ड, अगर आपने कोई और भी डाला हुआ है तो आप तुरंत यहीं पर क्लिक करके अपना कीबोर्ड जो चेंज कर सकते हो। उसके बाद एसएसटी बोल यानी कि जो आप जैसा देखते होगे, आपने देखा है कि जो आईफोन्स होते हैं उनमें एक छोटा सा बोल होता है, उसी से बैक होता है, उसी से सब कुछ सारे फीचर्स होते हैं, वो इसमें भी दिया गया है। यहाँ से जैसे आप फोन करोगे तो यहाँ से एक एसएसटी बोल हो जाएगी, जैसे मैं फोन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पर ये एक बोल आ चुकी है। अब इस बोल से सारे काम हो जाएंगे, मैं जो चाहता हूँ वो जो नेविगेशन के नीचे काम करते हैं वो सारे काम ये बोल कर सकती है, ठीक है। तो इसके लिए भी जो ट्यूटोरियल वीडियो आपको पता ही होगा इसके बारे में, तो कोई ज़्यादा बड़े वो नहीं है, मैं आपको इसको करके दिखाऊँ। चलिए तो इसको यहाँ से ऑफ़ कर सकते हो आप, यहीं से ऑफ़ कर दो इसको, ये ऑफ़ हो जाएगी यहाँ से,
और उसके अंदर फीचर दिया गया है जैसे कि ये ग्रे स्केल, ये जो फीचर है फ्रेंड्स, इससे आपका जो फ़ोन है पूरा ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपका फ़ोन पूरा ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। उसके बाद आप इसको पूरे फ़ोन को ब्लैक एंड वाइटली यूज़ करोगे, चाहे आप कुछ भी चलाओ उसके अंदर सब कुछ ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। और कैमरा चलाओगे वो भी ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा, सारे जो फ़ोटोज़ है फ़ोटोज़ वगैरह है वो सब कुछ ब्लैक एंड वाइट ही खींचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी इसके अंदर एक जो फीचर है नया आया है अभी। इसका फ़ायदा क्या है मुझे पता नहीं है अभी, लेकिन जो फीचर है वो नया है। और ड्राइविंग मोड यहाँ पर दिया गया है, रियलमी शेयर का ऑप्शन भी यहीं पर आपको देखने के लिए मिल जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो अभी ये हो गया इसके नोटिफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स अभी हम करने वाले हैं कुछ ऐसे हिडन फीचर्स के बारे में बात जो कि आप शायद नहीं जानते होगे, हो सकता है जानते हो लेकिन शायद नहीं जानते होगे। तो इस वीडियो में मैं आपको ये फीचर्स भी बता देता हूँ इस फोन के। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैं। तो फिर से मैं फ्रेंड्स जो वीडियो गेस्चर्स हैं वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर सेटिंग में आपको जाना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे जीनावर्स आ गया था एक। चलो तो अब आपको यहाँ पे आना है, इसमें ये जो आपके सामने लिखा हुआ है कन्वीनियंस एड्स, इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके अंदर आप देख सकते हो नेट नेविगेशन की असिस्टिव बॉल और स्मार्ट स्टेबलाइजर है, नीचे लिखा हुआ गेस्चर एंड मोशन, इस पर आप क्लिक करना है गेस्चर एंड मोशन पे। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने आ रहा होगा स्क्रीन ऑफ गेस्चर, स्मार्ट कॉल और राइज टू टर्न ऑन स्क्रीन एंड थ्री फिंगर्स स्क्रीन शॉट। ये तो आपसे आप भली भांति परिचित हो गए, यानी थ्री फिंगर्स जैसे आप क्लिक करते हो आपका स्क्रीन शॉट हो जाता है। आपको ये साइड से ये वाला करने की जरूरत नहीं होती है, पावर अनलॉक और वॉल्यूम बटन दबाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा जो फीचर है। उसके बाद जो राइज टू टर्न ऑन स्क्रीन है ये बहुत ज़्यादा अच्छा फीचर है। इसके अंदर क्या है, जैसे ही आपका सपोज दैट आपका फेस लगा हुआ है इसके अंदर, ठीक है फेस अनलॉक लगा हुआ है, तो आपको जैसे आप जेब से निकालोगे तो आपको इसका लॉक का बटन दबाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही निकालोगे तो ये स्क्रीन ऑन काम करेगा यहाँ पर और तुरंत ये फ़ोन ऑन होकर बैठ जाएगा आपके सामने और आपके जो फेस है उसको स्कैन कर लेगा। ठीक है, तो उसके बाद ये सीधा अनलॉक हो जाएगा। तो ये जो चंद सेकंड में काम कर जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा, जैसे आपके सामने आपको फ़ोन आएगा ये ऑन होगा। ठीक है, तो ये भी इसके अंदर एक जो अच्छा फीचर है। और फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स आपको क्लिक करना है स्मार्ट कॉल के ऊपर। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस आएगा, आपके सारे फीचर्स यहाँ पे ऑफ होंगे, आपको इनको ऑन करना है। आप पहले इनको सबको ऑन कर लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ इसका फ़ायदा क्या है। पहले आप देखो क्या है, ऑटो कॉल व्हेन प्लेसिंग फ़ोन टू ईयर। जैसे आपको किसी नंबर पर कॉल करना है सपोज, तो आप उस नंबर पर क्लिक करो, वो उस नंबर का जो डिटेल है वो खुल जाएगा आपके सामने। ठीक है, उसके बाद जैसे आप फ़ोन को कान के पास लेके जाओगे ऑटोमेटिक आपका कॉल मिला देगा उस नंबर पे। ठीक है, उसके बाद ऑटो आंसर व्हेन फ़ोन इज़ नियर टू ईयर। जैसे आपके पास कॉल आ रही है आपको ऐसे उठाने की जरूरत नहीं है, सीधा जेब से निकालो फ़ोन, सीधे कान के पास ले जाओ, अपना आप फ़ोन उठ जाएगा, आपको इसके अंदर ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मोड स्विचिंग ड्यूरिंग कॉल्स, यानी कि जैसे आप इसको कान के पास लेके जाओगे आपकी जो आवाज़ है वो मंदी हो जाएगी, जो ये जो स्पीकर है वो स्विच होकर के ऊपर वाले स्पीकर में आ जाएगा, यानी साउंड जो थोड़ी कम हो जाएगी। फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल, इस वाले फीचर से आप पहले परिचित हो गए। जैसे आपके सपोजर कोई कॉल आ रही है तो आप क्या करते हो, फ़ोन को उल्टा रख देते हो, तो आपका ये जो कॉल की जो ट्यून है वो बंद हो जाएगी ऑटोमेटिक और आपका फ़ोन कटेगा भी नहीं और आपका ये जो कॉल भी चलती रहेगी और आपकी ट्यून म्यूट हो जाएगी। जैसे आप यहाँ से बैक आओगे तो आपके लिए ऊपर देखने को मिल जाएगा स्क्रीन ऑफ गेस्चर्स। ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा कमाल का फीचर है इस फ़ोन का, और इसके लिए आपको जो कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस फ़ोन इस वाली वीडियो को यहाँ से ध्यान से देखना है और कुछ नहीं करना है आपके। हो सकता है ये सारे फीचर्स ऑफ हो तो आप इनको इनको सबसे पहले ऑन कर लेना है बिना पूछे कुछ करें। जैसे आप पहला स्विच ऑन करोगे तो इसमें आपको लिखा हुआ है स्क्रीन ऑफ गेस्चर्स, तो इसमें जो आपके स्क्रीन ऑफ गेस्चर्स हैं, स्क्रीन ऑफ होने के बाद जो गेस्चर्स काम करते हैं वो ऑन हो जाएगा, यानी कि आप जो गेस्चर्स हैं वो यूज कर सकते हो। आप वो गेस्चर्स कौन कौन से आप देखो, पहला गेस्चर डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन, यानी इस वाले फीचर से आप पहले भी परिचित हो गए, यानी कि जैसे सपोज दैट आपका लॉक लगा देते हैं हम ऐसे, जैसे आप दो बार उंगली लगाओगे तो आपकी जो स्क्रीन है वो ऑन हो जाएगी। तो ये एक बहुत कमाल का फीचर है। उसके बाद आपको दिखता है ड्रॉ अ ओ टू अनेबल कैमरा। जैसे ही आप लॉक करोगे उसके बाद आपको क्या बनाना है, यहाँ पे ओ बनाओगे और आपका कैमरा ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। ठीक है, और उसी के अंदर फिर आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे, उसी के अंदर आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे ड्रॉ अ वी टू टर्न ऑन फ्लैश लाइट, यानी कि आपको यहाँ पर देखो फोकस कर ले अगर, तो यहाँ पर देख पा रहे होगे जो ड्रॉ अ वी टू टर्न ऑन फ्लैश लाइट, यानी जैसे ही आप यहाँ पर वी बनाओगे तो ये आपका यहाँ से फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। ये फ्लैश लाइट यहाँ से ऑन हो गई है, आप देख पा रहे होगे। ठीक है, तो अभी हम इस वाले फीचर जैसे लोगे दबाओगे ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी, और अभी हम इसको फिर से अनलॉक कर लेते हैं। सबसे लास्ट का जो आ रहा है फीचर वो है म्यूज़िक कंट्रोल। म्यूज़िक कंट्रोल आप देख पा रहे होगे यहाँ पे, और म्यूज़िक कंट्रोल मैं आपको कुछ इस तरह के फीचर दिए हुए हैं, जैसे कि आपने मैथ पढ़ा होगा, मैथ में आपको देखने मिल जाता है एक इक्वल टू का साइन है, पैरेलल सॉरी पैरेलल का साइन,
और एक छोटे का साइन जो छोटा बड़ा ऐसे बनाते हैं, और एक बड़े का साइन ऐसे, मैं साइड में दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन पर। तो कुछ ऐसे साइंस आपको देखने को मिल जाएंगे इसमें। अब इन साइंस का वर्क क्या है? तो साइंस का वर्क ये है, सपोज दैट आपने कोई सॉन्ग चला रखा है, जैसे मैं अभी एक सॉन्ग प्ले कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। और अभी क्या करते हो आप, फोन सॉन्ग प्ले करने के बाद लॉक लगा लेते हो, तो मैं भी क्या करता हूँ, लॉक लगा लेता हूँ। अब मुझे गाना चेंज करना है, अब मुझे सॉन्ग अपना चेंज करना है, ठीक है। तो आप कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये क्लिक करना है, आपका गाना चेंज हो जाएगा। आपको वापस से गाना लगाना है तो ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, आपको फिर से बैक वाला गाना आ जाएगा, ठीक है। और आप दो फिंगर लो और ऐसे आपका गाना पॉज हो जाएगा, और आपको यहीं से प्ले करना है। तो आप कभी भी जैसे सपोज करो आपने लगा लिया लोग करके, आपको पता नहीं है, आपको गाना प्ले करना है, आपको ऑन नहीं करनी स्क्रीन, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ ऐसे करके दो से करोगे तो आपका एक सॉन्ग फिर से प्ले हो जाएगा। यानी कि इसी से आप प्ले और पॉज कर सकते हो, ऐसे करोगे प्ले हो जाएगा, ऐसे करोगे पॉज हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इसके अंदर जो कमाल का फीचर है, और भी जो फीचर्स हैं इसके अंदर, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे होगे स्क्रीन ऑफ गेस्चर्स, नीचे को एक और ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है हमको। तो इसको हम जैसे ऑन करेंगे यहाँ पे, तो कुछ आएगा हमारे सामने, जैसे ड्रॉ, अगर हम ऐसे बनाएंगे ऐसे अपने हाथ से, तो इसमें हम कुछ सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे कि मैं स्टार्ट एन ऐप, कौन सा ऐप यहाँ पे सेट करूँ, तो कोई सा भी ऐप मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। जैसे सपोज मुझे यहाँ पे ऐसे करने वाला मैं लगाना है यूट्यूब, मैं इस यूट्यूब पर क्लिक कर देता हूँ, और ऐसे करूँगा तो यूट्यूब ऑन होगा, ऐसे क्लिक करूँगा तो ये फीचर यूट्यूब सीधे ऑन हो जाएगी यहाँ से, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। तो फिर से क्या करना है हमको, इसी गेस्चर्स के अंदर जाना है, और यहाँ पर और भी गेस्चर्स हैं उनको जाकर सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। जैसे ड्रॉ डब्ल्यू, ड्रॉ एम, स्लाइड राइट ऐसे, स्लाइड राइट ऐसे, स्लाइड लेफ्ट ऐसे, स्लाइड अप, स्लाइड अप एंड स्लाइड डाउन ऐसे करके, इन पे आप कुछ भी जो फीचर्स हैं गेस्चर्स हैं वो लगा सकते हो अपने हिसाब से। जैसे मैं भी ड्रॉ एम पर कुछ लगाना है, ठीक है, गूगल पे लगाना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से जस्ट जाओगे, लोग लगाओगे ऐसे, तो आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ से ड्रॉ करना है एम, आपका एम ड्रॉ हो जाएगा, और सीधे यहाँ से आपका गूगल पे ऑन हो जाएगा, जैसे आप फिंगरप्रिंट दोगे। एक ये फीचर था इसके अंदर गेस्चर्स का, तो आप भी जा करके देख सकते हो अपने फ़ोन, अपने हिसाब से, अपने हिसाब को से इस फ़ोन को जो सेट कर सकते हो, गेस्चर्स को अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो, कौन सी फीचर्स आपको ईजी बनाने हैं, ठीक है। और जो फीचर्स है इसके अंदर, जैसे सपोज एक फीचर इसके अंदर है किड्स स्पेस, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको सेटिंग के अंदर जाना है, सेटिंग के अंदर जाने के बाद आपको सर्च करना है किड्स स्पेस, किड स्पेस। आप जैसे यहाँ पर सर्च करने के, सर्च में डालोगे किड स्पेस, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप ड्यूरेशन सेट कर सकते हो, और ऐप्स अलाउड टू एक्सेस, कितने ऐप आपको एक्सेस करने हैं इसके अंदर, 8 10 कितने एक्सेस करने हैं, वो सभी आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। उनको आप ऑन कर सकते हो यहाँ से। और प्रॉफिट सिस्टम मॉडिफाई, मॉडिफिकेशन एंड एडिशन प्रिवेंट, और कुछ बहुत सारे फीचर्स यहाँ से दिए हैं। और एंटर किड स्पेस जैसे आप करोगे, तो आपको यहाँ पर अगर आपके स्क्रीन लॉक लगा हुआ है और आपका कुछ पासवर्ड वगैरह लगा हुआ है, तो ही आप इसे इनेबल कर पाओगे। अगर आपने स्क्रीन लॉक या कोई पासवर्ड नहीं लगा के रखा है, फिंगरप्रिंट वगैरह या फिर कोई फेस अनलॉक वगैरह नहीं लगा के रखा है, कोई पासवर्ड नहीं लगा के रखा है, तो ये आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। आप सबसे पहले इसके लिए एक पासवर्ड लगा के रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे पासवर्ड यहाँ पर सेट कर देता हूँ, मेरा पासवर्ड लगा नहीं हुआ है, 1 2 3 4 5 6 यूज़ कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 इसे भी यूज़ कर देता हूँ, अब ये सेट हो चुका है। तो इसके अंदर जितने मैंने ऐप ऐड किए थे वो सारे यहाँ पर आ चुके हैं किड स्पेस के अंदर। अब आप क्या करोगे, जैसे आपके, आपको किसी बच्चे को फ़ोन देना है, ठीक है, किसी बच्चे को आपको फ़ोन देना है, तो आप क्या करोगे, यहीं से ऊपर जाओगे, तो आपको यहाँ पर आराम से ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा किड स्पेस का, किड्स स्पेस का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। ये आपको जस्ट इसको क्लिक करना है, और क्लिक करते ही आपका ये फीचर ऑन हो जाएगा, और आप बच्चे के हाथ में फ़ोन दे सकते हो आराम से, क्योंकि बच्चा इसके अंदर जो भी आप फीचर डालोगे बच्चे को यूज़ करने के लिए, वो सारे फीचर्स इसके अंदर आएंगे, सारे ऐप्स इसके अंदर आएंगे, उन्हीं को बच्चा आराम से यूज़ कर पाएगा, ठीक है। उसके अलावा कोई और फीचर यूज़ नहीं कर पाएगा वो आपके फ़ोन का, ठीक है। तो ये भी एक जो प्राइवेसी से रिलेटेड बहुत अच्छा एक फीचर है, ठीक है। तो ये फीचर्स है कुछ रियलमी ने बहुत ही अच्छा काम किया है अपने फ़ोन्स के ऊपर, और कुछ बहुत दमदार फीचर हमको निकाल कर दिए, और इन फीचर्स के बारे में मैंने आपको बताया। सबसे दमदार फीचर इस फ़ोन का, सबसे इस कंपनी के फ़ोनों का, मैं इस फ़ोन का नहीं कहूँगा, इस कंपनी के फ़ोनों का, ये इस कंपनी के फ़ोनों के सभी के साथ आता होगा। सबसे पहले आप जानते होंगे कि जो इस फ़ोन में आपको गेम बूस्टर दिया हुआ होता है साथ में, यानी कि मैं आपको दिखा दूँ अगर, तो आपको एक इस तरह का हमका एक लोगो देखने को मिल जाता होगा, एक ऐप देखने को मिल जाता होगा, जो कि इसकी तरफ से ही आपको देखने को मिलता है, रियलमी की तरफ से, सिर्फ रियलमी वाले फ़ोनों में आपको देखने को मिलता है। तो इसे आप, ये ऐप को आप छोटा मोटा मत समझो फ्रेंड्स, इसके अंदर बहुत सारी क्वालिटी हैं। जैसे आप ऑन करते हो, ये आपके जो गेमिंग एक्सपीरियंस है उसको थोड़ा इंक्रीज़ कर देता है। उसके बाद इसके कुछ फीचर्स हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ सीधे ऑन करके।
लाइक जैसे अभी हमने इसके अंदर जो जो ऐप्स को यूज किया हुआ है, वो जैसे कि मैंने इसमें अंदर यूट्यूब को, पबजी को, और भी बहुत सारे ऐप्स को यूज करके रखा है। जैसे मैं अभी यूट्यूब चलाता हूँ आपके सामने, ठीक है। तो वो करना क्या है इसके अंदर, जैसे मैं अभी यहाँ पे एक वीडियो प्ले कर लेता हूँ, और अभी मेरे सामने एक वीडियो प्ले हो चुकी है, आप भी देख पा रहे हो यहाँ पर एक वीडियो प्ले मैंने कर ली है अभी, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हमें करना क्या है, जैसे कि अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब बैक करने के लिए ऑप्शन आता है इधर से, तो यहाँ से बैक करने के लिए ऑप्शन आते हैं, लेकिन आप जैसे यहाँ स्लाइड करेंगे बैक करने के लिए ऑप्शन आएगा। जैसे आप यहाँ से स्लाइड करोगे लेफ्ट साइड से, अपने यहाँ स्लाइड करोगे, तो आपके लिए कुछ फीचर्स ये निकल करके आते हैं, जैसे कि आपके व्हाट्सएप कॉल होती है, कुछ पेटीएम वगैरह को, कुछ भी आप यहाँ पे ऐप्स जो ऐड कर सकते हो उनको साइड में यहाँ पर रन कर सकते हो, ठीक है। उस हिसाब से फाइल यहाँ पर दिखा हुआ है, कैमरा यहाँ पर दिखा हुआ है, वो सब यहाँ पर साइड में ऑन हो जाएगा। जैसे मैं आप यहाँ जस्ट क्लिक करता हूँ, लाइक जैसे मैं अभी यहाँ पर व्हाट्सएप पर क्लिक करता हूँ, तो मेरा व्हाट्सएप यहीं पर ऑन हो जाएगा, और उसके बाद इनको यहाँ से हटा भी सकता हूँ ऐसे ही। और बहुत सारे फीचर्स इसमें इसके अंदर आपको देखने मिल जाएंगे, और बस आप यहाँ पे इसे वीडियो कॉल नहीं कर पाओगे, और भी यहाँ फीचर्स हैं जो भी आप यूज़ करना चाहो, जैसे कैमरा है, कैमरा भी आपका यहीं से ऑन हो जाएगा, फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यहीं सीधा आप कैमरा ऑन कर सकते हो, तो सीधा आप बैक करोगे, आप सीधे अपनी वीडियो पर ही मिलोगे। तो ये फीचर जो है इसका यहीं पर सिर्फ काम नहीं करता है फ्रेंड्स, ये फीचर इसका कहीं और भी काम करता है। जैसे कि मैं अभी इसमें एक गेम प्ले करता हूँ, जिसमें अभी पबजी ऑन करते हैं। सबसे पहले तो देखो ये जो ऐप है, ये इसकी सारी जो मेमोरी है उसको क्लीन करता है, उसके बाद ऐप को यानी गेम को आसानी से रन करने के लिए स्टार्ट करता है। ये ऑन हो रहा है, जब तक ये ऑन हो मैं आपसे चैनल के बारे में थोड़ी बात कर लेता हूँ। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो जरूर शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। तो अभी देखो हम पबजी हमारा ऑन हो चुका है, तो पबजी के अंदर कई बार क्या होता है कि हम लोग पबजी खेल रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों को कॉल आ जाती है, बहुत सारे लोग हमको डिस्टर्ब करने लगते हैं, ये बहुत सारे फीचर्स हमारे साथ होते हैं। यहाँ से स्लाइड करोगे लेफ्ट राइट साइड से स्लाइड करोगे, तो आपके सामने आपके बैक वाले और होम स्क्रीन वाले और रिसेंट वाले जो गेस्चर्स वो आएंगे नेविगेशन कीज़, लेकिन आप जैसे फिर से यहाँ से स्लाइड करोगे तो फ्रेंड्स आपके सामने कुछ खुल के आएगा, ये वाला इंटरफेस, ये आपको गेम स्पीक तरफ से मिलता है। इसके अंदर आपको देख सकते हो पहले में लिखा हुआ है नो नोटिफिकेशंस, आप जैसे इस पर क्लिक करोगे आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगी, अगर ये ऑफ है तो आपके नोटिफिकेशन आएंगी, ये ऑफ है तो आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगी, चाहे वो कॉल की नोटिफिकेशन है, चाहे किसी भी चीज़ की है। और आपका आ रहा है रिजेक्टेड कॉल्स, आप इसको ऑफ कर ऑन कर दोगे तो आपके ऑटोमेटिक जो कॉल्स आएंगे वो रिजेक्ट हो जाएंगी, आपको कोई कॉल नहीं कर पाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो थोड़ी देर चलेगी कॉल और तुरंत बोल देगा कि जो अभी पर्सन है वो बिजी है, वो कॉल नहीं उठा सकता, तो ये आपका ये काम कर देगा। और उसके बाद आपको यहीं से स्क्रीन शॉट ले सकते हो, यहीं से स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हो, और यहाँ से कुछ फीचर्स हैं जो कुछ जो इसकी तरफ से दिए गए हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो, जैसे व्हाट्सअप। आप फ्रेंड्स यहीं से आप व्हाट्सअप ऑन कर सकते हो, जैसे मैं अभी गेम भी प्ले कर रहा हूँ और मेरे को इंपॉर्टेंट किसी से बात करनी है, तो आप जस्ट यहाँ से क्लिक करोगे और आपका जो व्हाट्सअप है वो ऑन हो जाएगा यहीं से। आप इसी को यहीं साइड में कर सकते हो, जितना चाहो उतना छोटा कर सकते हो, इस पर जस्ट क्लिक करना है आपको, और उसको आप अपने हिसाब से जो छोटा और बड़ा कर सकते हो फ़ोन के साथ। तो ये गेमिंग के लिए बहुत अच्छा फीचर है, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। कई बार क्या होता है गेमिंग, आप पबजी खेल रहे होते हो और कॉल आ जाती है एकदम से, और आप ऐसे टाइम पे होते हो कि मर जाते हो, फिर आपको बहुत बुरा लगता है, तो वो आपको इस फ़ोन में दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि आपको इसके अंदर मिलता है गेम स्पेस जो काफ़ी अच्छा वर्क करता है इस फ़ोन के अंदर, और काफ़ी अच्छी आपको गेमिंग एक्सपीरियंस देता है, ठीक है। और जो पबजी प्ले है मैं इसका वो भी बता चुका हूँ आपको, इसका गेमिंग रिव्यू दे चुका हूँ कि फ़ोन का गेमिंग रिव्यू कैसा है, और ये बाय नहीं करना, और करना तो आपके ऊपर है, अभी फ्लैश सेल चल रही है, आप चाहो तो इसको जाकर खरीद सकते हो, नहीं चाहो तो भी मत खरीदना। वैसे भी मैं भी आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर सजेशन देने वाला हूँ कि आपके लिए कौन सा फ़ोन बेटर रहने वाला है, अंडर 8K, अंडर 10K, अंडर 12K, अंडर 13K, अंडर 15K, अंडर 18K, अंडर 20K, तो आपको कौन सा फ़ोन जो बेस्ट रहने वाला है वो सारी सीरीज आपके लिए पूरी वीडियो में बहुत अच्छे से बताऊंगा। तो आप जरूर से सब्सक्राइब करके रखना हमारे चैनल को, और बेल आइकन जरूर कर लेना ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो पहले मिल जाए, और आप जो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहो फ्रेंड्स, ठीक है। तो फिलहाल इतना इतना था इस वीडियो में, और